खरगोन शहर के खंडवा रोड स्थित उद्यानिकी कार्यालय में बीज विक्रेता कंपनी प्रबंधकों और प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें उप संचालक के गिरवाल ने आगामी खरीफ सीजन के दौरान उद्यानिकी बीज विक्रेताओं को समयावधि में बीज अनुज्ञा नवीनीकरण कराने, कृषकों को मानक स्तर के बीज उपलब्ध कराने और जिले में विक्रय किए जा रहे उद्यानिकी फसलों के बीजों का ऑनलाइन स्टॉक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कृषकों को विक्रय किए जा रहे उद्यानिकी फसलों के बीज को संज्ञान में लेते हुए अनुज्ञा में शामिल कंपनियों का ही बीज विक्रय करें। यदि अन्य कंपनी के बीज विक्रय किए जा रहे हो तो उसे अनुज्ञा में शामिल कराना सुनिश्चित करें। अनुज्ञा के अतिरिक्त कंपनियों के बीज विक्रय करते पाया गया या बीज अनुज्ञा की वैधता समाप्ति के उपरांत भी बीज विक्रय करते पाए जाने पर बीज अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल भी किए, समस्याएं भी बताई, जिसका उप संचालक ने समाधान भी किया। आज जिले में हमने जो कंपनी प्रतिनिधि है, मिर्च और वेजिटेबल सीड्स की जो कंपनी प्रतिनिधि है, कंपनी के जो MD है, उनको लेकर बैठक बुलाई गई थी। विशेषकर बुलाने का उद्देश्य था कि जिले में जो कंपनी काम करती है, जो जो कंपनियां बीज और सब्जी और मसाले में काम करती है, उनके पास कितना बीज उपलब्ध है जिले के लिए और कितना बीज उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को दे दिया है और हमारे जिले के किसानों के लिए कितना बीज उन्होंने यहाँ पर अवेलेबल कराया है, इसके लिए हमने उनका आज मीटिंग बुलवाई थी। उसकी रोकथाम के लिए जैसे हमको कोई शिकायत मिलती है तो हमारे जिले में सिटी इंस्पेक्टर भी हैं, उनके माध्यम से हम उनको उनके ऊपर समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। अभी हमने खरगोन में कम से कम सभी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हमारे जो लाइसेंसधारी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ये कहिए कि जो विक्रेता है वो करीबन यहाँ पर 600 है और कंपनियाँ यहाँ पर 80 से 100 कंपनियाँ जिले में काम कर रही हैं। मैं यहाँ पर जिला अधिकारी हूँ और यहाँ पर मैं लाइसेंस जारी करता हूँ। जिस जिले में जो कंपनी काम करती है या जहाँ पर बीज का क्रय विक्रय होता है, उनको वहाँ से उस जिले से लाइसेंस देना अनिवार्य होता है। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।